हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड के एक लेटेस्ट वेरिएंट के बारे में जिससे सारी दुनिया परेशान है, जो कि है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसके बारे में आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या तीन रीज़न है जिससे पूरी दुनिया इस वेरिएंट को लेकर परेशान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कोविड का जो ये लेटेस्ट वेरिएंट है जिसको कि हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, ये अफ्रीका के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसके तीन रीज़न है कि क्यों इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। पहली चीज़, इसमें नंबर ऑफ म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो कोरोना वायरस है उसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर 50 म्यूटेशंस पाए गए हैं। साथ ही टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, हर म्यूटेशन का एक डिफरेंट टाइप है। तीसरी चीज़, इसका जो स्प्रेड है वो फास्टेस्ट स्प्रेड है। जितने भी वेरिएंट अभी तक आपने कोरोना के देखे हैं, जिसमें डेल्टा वेरिएंट हो गया, लैम्डा वेरिएंट हो गया, ये सब इतना फास्ट स्प्रेड नहीं हो रहे थे जितना कि ये ओमिक्रॉन वायरस हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इस कोरोना वायरस का हो रहा है। तो इसका जो फास्टेस्ट स्प्रेड है और साथ ही इसके अंदर जो नंबर ऑफ म्यूटेशंस हैं, उसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सारी दुनिया की सरकारें चिंतित हैं, क्योंकि जब ये एक बार फैलना शुरू होता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो कोरोना वायरस के पुराने सिम्टम्स थे उससे इसके सिम्टम्स थोड़े अलग हैं। इसमें ना तो आपका SpO2 फॉल होता है, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल नहीं होता, साथ ही आपका स्मेल और टेस्ट भी नहीं जाता इस वेरिएंट के अंदर। पर हाँ, अचानक आपको थकान आपके शरीर में महसूस ज़रूर होती है, यानी कि आपको अचानक थकान लगेगी जब आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से जब आप पीड़ित होंगे। तो दोस्तों, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है और लीथल भी माना जा रहा है। पर दोस्तों, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर स्प्रेड इसका फास्ट है, पर इसका अभी तक लीथल कितना है ये अभी तक पता नहीं चला है और इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं। साथ ही लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि जो वैक्सीन्स पूरी दुनिया में लगाई गई हैं वो इस वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रभावी हैं इसका भी अभी पता नहीं चला है। थोड़े दिनों में अभी स्टडीज़ के रिज़ल्ट सामने आएंगे और हमें पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए जो वैक्सीन हमने लगाई हैं वो प्रभावी है या नहीं है। तो इसके दो चीज़ हो सकती है, या तो वैक्सीन इसके अंदर प्रभावी हो सकती है या वैक्सीन फेल हो सकती है। तो दोस्तों, एक नया पैंडेमिक आने का भी खतरा रह सकता है, क्योंकि अगर वैक्सीन फेल हो गई तो वापस से जो कोरोना पैंडेमिक स्टार्टिंग में जिस तरीके से फैला था और जब हमारे पास कोई उसका इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी, तो किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था और किस तरीके से सारी चीज़ें ठप हो गई थी, तो वैसी चीज़ होने का खतरा है। लोग इतने ज़्यादा एक साथ इतने लोग ज़्यादा इन्फेक्शस हो गए थे तो उनके लिए ICU वगैरह का प्रबंध नहीं हो पाया था। तो इसलिए लोग चिंतित थे कि अगर वापस ही पहले सा पैंडेमिक हुआ तो लोगों की जान पे खतरा मंडराएगा और लोगों की जान बचाना मुश्किल रहेगा। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से इसको चिन्हित किया है। तो दोस्तों, इस वेरिएंट को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, पर हाँ, इसको लेकर आपको लापरवाही भी नहीं बरतनी है। वैक्सीन के दोनों डोज आपको लगवाने हैं। फर्स्ट डोज हो गया है तो सेकंड डोज जितना जल्दी हो सके उतना लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन इसके खिलाफ प्रभावी हो तो ये आपकी जान को बचा सकता है। और दोस्तों, साथ में जो नॉर्म्स हम कोविड को लेकर फॉलो कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, 6 फीट के डिस्टेंस आप रख रहे थे, उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया है कोरोना के लेटेस्ट वेरिएंट के बारे में जिसको कि हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।